हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके ही अपने चैनल फैंटेसी लकी 11 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिम्बाब्वे टूर ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, तीन वनडे और तीन T20 खेलेगा जिम्बाब्वे पाकिस्तान से। रावलपिंडी के ग्राउंड में मैच खेले जाने वाले हैं सारे। पहले लाहौर में मैच खेले जाने वाले थे, बट वहाँ के एयर पोल्यूशन ख़राब होने की वजह से सारे मैच शिफ्ट कर दिए हैं रावलपिंडी में। बट बात ये की जा रही है कि T20 शायद हो सकते हैं लाहौर के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों को थैंक्स कहता हूँ और वेलकम करता हूँ आपके चैनल पर। और फी यहाँ पर आपको मिलती है सारी चीज़ें, सारा डेटा, और जिससे आपको ग्रैंड लीग खेलने में आसानी हो। और बहुत दिल से मैं थैंक्स कहता हूँ सभी दोस्तों को जो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 30 अक्टूबर को पहला वनडे आपको खेलता जाता हुआ नज़र आएगा। 12:30 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से मैच शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं और वीडियो में आपके लिए क्या है आगे। और जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो में आपको मिलेगी स्कोर्स और रिकॉर्ड्स, प्लेयर के GL और स्मॉल लीग टिप्स, प्लेइंग 11 अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड का नेचर कैसा रहा है, क्या पास्ट है इसका, तो मैं आपको बता दूं 21 ODIs मैच खेले गए हैं, वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। यहाँ पर बैटिंग पहले करने वाली टीम 10 बार जीती है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 11 बार जीती है दोस्तों, मतलब चेज 11 बार किया हुआ है। फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर 233 का है और सेकंड इनिंग स्कोर यहाँ पर 198 का है एवरेज। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बना है 329 का, जो कि पाकिस्तान ने मारा था इंडिया के सामने। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 104 का है। जिम्बाब्वे ने दिया था टारगेट श्रीलंका को 104 का। हाईएस्ट स्कोर चेज यहाँ पर मैं बता दूँ और 278 का है। पाकिस्तान ने चेज किया था न्यूजीलैंड के सामने। और लोएस्ट स्कोर डिफेंड किया है इंग्लैंड ने 206 का पाकिस्तान के सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट यहाँ पर मैं बता दूँ, रावलपिंडी की बैटिंग फ्रेंडली होती है ज़्यादातर, और स्विंग बॉल आप काफ़ी अच्छा करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं स्टार्टिंग के इनिशियल स्पेल में, शुरुआत में। और जहाँ तक कि हम जानते हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है, तो मुश्किल हो सकती है जिम्बाब्वे अगर पहले बैटिंग करती है तो लो स्कोर पे भी ऑल आउट होती हुई नज़र आ सकती है। बट जिम्बाब्वे को हम इतना हल्के में नहीं ले सकते, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स हैं, तो मुझे तो ऐसा उम्मीद है कि वो थोड़ा चैलेंज उनकी तरफ से भी देखने को मिलेगा और काफ़ी वो कंपटीशन दे सकती है पाकिस्तान को, तभी मैच में और सीरीज़ में मज़ा भी आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हेड टू हेड मुकाबले की। 2018 में सीरीज़ खेली है, पाकिस्तान गई थी जिम्बाब्वे, तो 5 मैच अगर मैं रिकॉर्ड बता दूं तो हम सभी जानते हैं पाकिस्तान ने जीत लिए थे। पहले बैटिंग जब भी की 300 प्लस रन मारे, और जब पहले बॉलिंग की तो कम से कम रन पर ऑल आउट भी कर दिया था जिम्बाब्वे को। आसानी से सारे मैच जीत गई थी पाकिस्तान हेड टू हेड में लास्ट, जब 2018 में हुए थे। स्क्वाड की अगर बात कर लूँ तो 22 प्लेयरों का यहाँ पर स्क्वाड दिया गया है। ओवरऑल ये मैं आपको स्क्वाड बता रहा हूँ, जो कि T20 में भी आपको यही प्लेयर, किसी में से ही प्लेयर खेलते हुए नज़र भी आएंगे। कैप्टेंसी की दावेदारी दी गई है बाबर आजम को, और विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में मोहम्मद रिजवान मेन रोल प्ले करेंगे। बैकअप में विकेट कीपर पाकिस्तान ने रखा है सोहेल नज़ीर को। प्लेयर स्टेट की चलिए बात कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। सबसे मेन प्लेयर जो पाकिस्तान के है फिलहाल में, वो है बाबर आजम। 54 का एवरेज है फिलहाल, करंट में किसी का भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और रिसेंट फॉर्म भी इनका काफ़ी अच्छा है। 50-50 लगा चुके हैं, 1100 ऑलरेडी इंटरनेशनल 100 इन्होंने मारी है, 11 3000 रन प्लस रन है इनके।
शादाब खान पहला वनडे मैच नहीं खेलेंगे, इंजरी है उनको, और मैंने टेलीग्राम पर भी बता दिया है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आपको चाहिए तो आप वो भी मैसेज वहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके बाद में है अब्दुल्ला शफीक, एक मैच ही खेली है वनडे की और पहले ही मैच में 133 रन भी मारे हैं इन्होंने, 100 मारे हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट पिक रहेंगे खेलेंगे तो। आबिद अली की बात कर लें तो चार मैच में 150 और 100 लगाई है, 112 उनका हाईएस्ट स्कोर है। फहीम अशरफ है, 23 मैच में 20 विकेट ली है अपने ओडीआई करियर में। फ़खर जमान है, रेसेंट फॉर्म भी अच्छा है और काफ़ी अच्छे प्लेयर है, ओपनिंग करते हैं टीम के लिए, 46 मैच ओडीआई खेली हुई है, 1350 और 400 लगाई हुए हैं और 46 का बैटिंग एवरेज भी रखते हैं दोस्तों, जो काफ़ी अच्छी बात है। हैदर अली और हारिस रऊफ ओडीआई में अभी तक डेब्यूट नहीं किया है, कोई मैच खेला नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर। हारिस सोहेल की बात कर लूँ तो 41 मैच में 1600 प्लस रन है, बॉलिंग से भी कभी कभार परफॉर्मेंस दे देते हैं टीम को, और 1350 और 200 इन्होंने भी लगाई हुई है। इफ्तिकार अहमद चार ओडीआई खेली है बट कुछ खास किया नहीं है, बट रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है, T20 में भी अच्छा खेल लेते हैं। इमाद वसीम है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे, फिलहाल 53 मैच में 42 विकेट ली हुई है इन्होंने अपने ओडीआई करियर में। इमामुल हक है और काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 37 मैच खेली है, 1700 प्लस रन है, 53 का एवरेज इनका भी है, काफ़ी अच्छा है, 650 और 700 ये भी लगा चुके हैं। मोहम्मद हफीज़ सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी फ़िलहाल अभी यही है टीम में, और 218 मैच खेली है, 139 विकेट भी ली है, 3850 और 1100 लगाई है इन्होंने। उसके बाद मोहम्मद हसनैन पांच मंडे मैच खेली है, 5 विकेट ली है। मोहम्मद रिजवान की बात कर लूँ तो विकेट कीपिंग संभालेंगे पाकिस्तान की टीम के लिए, रिसेंट फॉर्म अच्छा है और बाबर आजम के बाद इनका ही नंबर है कैप्टेंसी की दावेदारी में, कहा यही जा रहा है कि फ्यूचर में इनको कैप्टेंसी की दावेदारी दी जाएगी नेशनल टीम में। उसके बाद मैं बात कर लूँ तो मोहम्मद मूसा की ओडीआई डेब्यूट नहीं हुई है और हो सकता है पहले मैच में कराई जाए उनके डेब्यूट। रोहेल नज़ीर की बात कर लूँ तो डोमेस्टिक इनका रिकॉर्ड मिला है रिसेंट का, तो वो है 12 मैच में 250 और 200 लगाई है, काफ़ी अच्छा एवरेज है 44 का, तो अच्छे बैट्समैन ये नज़र आ रहे हैं फिलहाल इस स्टैट देख कर। शाहीन अफरीदी 19 मैच में 40 विकेट्स, काबिले तारीफ बॉलिंग की है और रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। उस्मान कादिर शादाब खान के बदले रिप्लेसमेंट किए जाएंगे पहले ओडीआई में, बात ये चल रही है न्यूज़ में, यही बताया जा रहा है। वहाब रियाज है, एक्सपीरियंस बॉलर है और बैटिंग से भी हिटिंग कर लेते हैं, 250 भी लगाई हुई है और 89 मैच में 115 विकेट ले चुके हैं। जफर गोहर देखते हैं खेलते हैं कि नहीं पहले ओडीआई में। रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात कर ले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे ही प्लेयरों का मैंने यहाँ पर दे दिया हुआ है, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर की ही बात करूँगा जो हमारे लिए खास रहेंगे, तो है बाबर आजम, रिसेंट फॉर्म अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, 250 लगा दिए हैं। उसके बाद में शादाब खान तो फिलहाल पहले ओडीआई में तो नहीं खेलेंगे और तो बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे हमारे लिए, फ़खर जमान रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, फहीम अशरफ का भी फॉर्म अच्छा है बट खेलने के चांसेस कम है, बॉलिंग भी कर लेते हैं। और बात कर लूँ अगर आगे हम बढ़े तो हारिस रऊफ है, बैटिंग से तो नहीं बट बॉलिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, बट देखते हैं ओडीआई में इनको मौका मिलता है कि नहीं खेलने का। हारिस सोहेल की बात कर लें तो रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है और बॉलिंग मुझे नहीं लगता है करेंगे क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन काफ़ी है पाकिस्तान के पास। इफ्तिकार अहमद के खेलने के चांसेस है तो रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है, बॉलिंग से भी कुछ एवरेज ही परफॉर्मेंस है, कुछ खास नहीं है। इमाद वसीम की अगर बात कर लें तो रिसेंट फॉर्म उनका ठीक है, बॉलिंग से ही ज़्यादातर इनका वो इम्पोर्टेंट रोल रहता है, बॉलिंग जब भी करते हैं तो एक आधा विकेट तो लेते जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे आपके लिए फैंटासी लीग के अंदर।
इमामुल हक की बात करें, ओपन करेंगे टीम के लिए, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लगभग 250 और एक तो 48 रन की पारी खेली हुई है, तो मतलब अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। खुशदिल शाह भी खेल सकते हैं, अगर इफ्तिकार अहमद को नहीं खिलाते हैं तो खुशदिल शाह खेल सकते हैं। रिसेंट बैटिंग परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है, देखते हैं किसको खिलाती है पाकिस्तान की टीम। मोहम्मद हफीज शायद नहीं खेलेंगे ओडीआई में, देखते हैं, पहले ओडीआई में तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट देखते हैं आगे खेलते हैं कि नहीं। उसके बाद मैं मेन प्लेयर की बात करूं तो मोहम्मद रिजवान है जो काफ़ी अच्छा करते हुए नज़र आएंगे आपको वनडे के अंदर भी, अगर बैटिंग आती है तो। मुझे नहीं लगता इनकी बैटिंग इतनी जल्दी आएगी क्योंकि ये पाँचवें छठे नंबर पर बैटिंग के लिए आते हैं। उसके बाद बात कर ले तो शाहीन अफरीदी है और बॉलिंग से अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। उस्मार कादिर की बात कर लो तो उनका भी रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, हो सकता है ओडीआई में इनको डेब्यूट कराया जाए और देखते हैं क्या ये शादाब की जगह पर कर दिखाते हैं। वहाब रियाज है, अच्छी बॉलिंग है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी विकेट ली है, हर मैच में विकेट ली है उन्होंने, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जिम्बाब्वे के मैच में भी। बात कर लेते हैं आगे जिम्बाब्वे के स्क्वाड की, तो 22 प्लेयरों का इनका भी स्क्वाड है और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है और काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जो कि बहुत ही पुराने भी हैं टीम के लिए, और कुछ नए चेहरे भी आए हैं जो जिनसे उम्मीदें हैं कि जिम्बाब्वे कुछ के लिए कुछ अच्छा करेंगे दोस्तों। बट मैं आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेयर स्टेट की, तो यहाँ पर चामू चिबावा की बात कर लूँ तो 104 मैच का एक्सपीरियंस है इनको, 2000 प्लस रन है, 1650 उसमें लगाई है, 35 विकेट भी ली है, यानी कि बैटिंग ऑलराउंडर प्लेयर है दोस्तों, ध्यान में रखना है फैंटासी के लिए आपको यहाँ पर डेटा के अंदर। तेंडई चेतारा है, 70 मैच में 95 विकेट है, और उसके बाद मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर एल्टन की बात करूँ तो 200 मैच का एक्सपीरियंस है, 4000 प्लस रन है, 1950 लगा चुके हैं, 200 भी लगाई है और 101 रन की विकेट भी ले चुके हैं, तो ये दूसरे प्लेयर है जो बैटिंग बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आपको नज़र आएंगे, आपको ध्यान में रखना है। तेंडई चिसोरो है, 18 मैच में 20 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद में क्रेन एरविन है, 93 मैच में 2000 प्लस रन है, 1550 और 300 ये लगा चुके हैं। फराज अकरम 7 विकेट ली है 9 मैच में। उसके बाद में है तीनाशे, ओपन करते हैं टीम के लिए, वनडे में कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, बट देखते हैं क्या करते हैं पाकिस्तान के सामने। वेजली माधेवरे की बात कर लूँ तो यहाँ पर 3 मैच में 2 विकेट ली है इन्होंने। वेलिंगटन मसकाजा 17 मैच में 21 विकेट, और काल मुम्बा की बात कर लें तो 5 मैच में 6 विकेट है। रिमोंड की बात कर ली यहाँ पर जो विकेट कीपिंग करेंगे, 36 मैच में 600 प्लस रन है, 350 लगाई है इन्होंने। ब्लेसिंग की बात कर लूँ तो यहाँ पर 18 मैच में 18 विकेट है, और रिचर्ड की बात करूँ तो 9 मैच में 8 विकेट है, कुछ खास नहीं है। मेन प्लेयर की अगर आऊँ तो मैं सिकंदर रजा, 100 मैच का एक्सपीरियंस है, 2000 प्लस रन है, 34 के एवरेज से इन्होंने मारे हैं 50 16 बार और 100 मगाई है 3 बार दोस्तों, 59 विकेट भी ले चुके हैं, तो अगेन ये एक ऑलराउंडर है जो टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं। ब्रेंडन टेलर है, और रिसेंट मैचेस में इन्होंने विकेट कीपिंग तो नहीं की है, बट देखते हैं ओडीआई में विकेट कीपिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। 196 मैच में 6000 प्लस रन है, 35 के एवरेज से इन्होंने रन मारे हैं, 3850 और 1000 लगाई हुई है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है और अच्छी बैटिंग से अच्छे रन भी बनाए हुए हैं, देखते हैं पाकिस्तान के सामने इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। डोनाल्ड की बात कर लूँ अगर तो 34 मैच में 31 विकेट है, 150 भी लगाई है इन्होंने, अच्छे हिटर हैं और ज़रूरत पड़ती है तो कुछ ना कुछ एंड में रन कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टीम के लिए। सिन विलियमसन है, 133 मैच खेली हुई है, 3000 प्लस रन है, 31 हाफ सेंचुरीज है और 300 लगा चुके हैं, 71 विकेट भी ले चुके हैं, और तो अगेन एक अच्छे ऑलराउंडर है जो इम्पोर्टेंट रहेंगे जिम्बाब्वे के लिए। जिम्बाब्वे के रिसेंट मैचेस परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम लूँगा रियान बल का, जो कि एक अच्छे हिटर है और बॉलिंग से भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ सकते हैं। बाकी बात कर लूँ तो ब्रेन चारी है, खेलेंगे तो आपके लिए ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, 42 102 3 और 48 की अच्छी अच्छी पारी खेली हुई है इन्होंने। उसके बाद में जो बॉलिंग संभालेंगे चतारा, उनका अगर रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो हर मैच में एक एक विकेट तो लिए हैं उन्होंने।
एल्टन की बात कर लूँ तो रिसेंट में इन्होंने बॉलिंग तो नहीं की है, बट बैटिंग से कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। चिसोरो की बात कर लूँ तो यहाँ पर चिसोरो की भी मैच में आप देख सकते हो हर मैच में 2-1 विकेट तो लिए इन्होंने, तो इम्पोर्टेंट रोल रहेंगे बॉलिंग में। क्रेग एरविन की बात कर लूँ तो यहाँ पर रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, एवरेज नज़र आ रहा है। उसके बाद में मेन प्लेयर की बात कर लूँ तो यहाँ पर है विजली, बैटिंग से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट दे रहे हैं, 42, 52, 35 और 33 के अच्छा स्कोर कंट्रीब्यूट किया हुआ है, बॉलिंग में टीम के लिए डालते हुए नज़र आएंगे और आप विकेट भी लेते हुए नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर दूसरे प्लेयर जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उसका मैं बता दूँ तो काल मुंबा है, मेन बॉलर है टीम के लिए, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है उनका, तो उनके ऊपर नज़र रहेगी कि मुश्किल में डाल सकते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज को। दूसरे मेन प्लेयर की मैं बात कर लूँ यहाँ पर तो आपके लिए रहेंगे सिकंदर रजा, बैटिंग से तो नहीं बट बॉलिंग से अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं रिसेंट में। ब्रेंडन टेलर है, रिसेंट फॉर्म में 150 लगाई है, बाकी कुछ खास किया नहीं है। ट्रिपेनो की भी बात कर लूँ तो रिसेंट फॉर्म बॉलिंग से तो अच्छा है बट बैटिंग से 150 भी लगाई हुई है बस, और कुछ खास नहीं है। सिम विलियमसन के भी कुछ खास परफॉर्मेंस नज़र रिसेंट में नहीं आ रही है, जो कि काफ़ी मुश्किल की बात है जिम्बाब्वे के लिए, क्योंकि मेन प्लेयर इनके फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, तो पाकिस्तान की तरफ से प्लेइंग 11 रहेंगी, आबिद अली आ सकते हैं ओपन करने फ़कर जमान के साथ, या तो फिर इमामुल हक आ सकते हैं फ़कर जमान के साथ, उसके बाद में आएंगे बाबर आजम, उसके बाद में आबिद अली आ सकते हैं, फिर हारिस सोहेल, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम, वहाब रियाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और उस्मान कादिर, ये प्लेइंग 11 इनकी हो सकती है। पॉसिबल चेंजेस में बात करूँ तो जैसा मैंने बताया इमामुल हक के चांसेस है खेलने के, या तो फिर अगर उनको नहीं खिलाया जाता है तो इफ्तिकार अहमद की जगह खुशदिल शाह को भी मौका मिल सकता है। दोस्तों मोहम्मद हफीज़ शायद नहीं खेलेंगे ODIs में। की प्लेयर्स की यहाँ पर बात कर लूँ तो बाबर आजम यहाँ पर की प्लेयर हैं, बैटिंग से आपको कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर देंगे। फ़कर जमान है ओपन करेंगे और हो सकता है काफ़ी सेंचुरी भी लगाते हुए नज़र आ जाए जिम्बाब्वे के सामने। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पहले मैच में हर कोई परफॉर्मेंस दे दे और आपको सारे पॉइंट मिल जाए, बट हो सकता है पहले मैच में ना चले कोई अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर, तो वो सेकेंड मैच में चलेगा। दोस्तों ग्रैंड लीग में कुछ इस तरीके से ही आपको खेलना है, बड़े प्लेयर को ड्रॉप भी करना है, किसी टीम में सी बनाना है, किसी में VC बनाना है, किसी में एज अ प्लेयर भी लेना होता है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं हारिस सोहेल की, ये भी आपको बैटिंग बॉलिंग से पॉइंट्स देते हुए नज़र आएंगे, इसीलिए की प्लेयर में रखे जाते हैं। की प्लेयर में वह वही प्लेयर रखता हूँ जिससे आपको पॉइंट में इजाफा होगा और हेड टू हेड में की प्लेयर्स को आपको नहीं छोड़ना है। इमाद वसीम है बैटिंग बॉलिंग से दोनों से आपको पॉइंट देते हुए नज़र आएंगे। वहाब रियाज है हिटिंग भी कर लेते हैं और विकेट भी लेते हुए नज़र आते हैं, इसीलिए हमारे की प्लेयर में इनका नाम शुमार किया हुआ है। फिर शाहीन अफरीदी है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जिम्बाब्वे से अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर ओपन करेंगे तनाशे, उसके बाद उसके साथ आएंगे चमू, और अगर ब्रेन चारी खेलते हैं तो ओपन वो भी कर सकते हैं तनाशे के साथ, उसके बाद में आएंगे चामू। ब्रेंडन टेलर है, फिर सिन विलियमसन है, वेजली है, सिकंदर रजा है, रिमंड है, रियान बल है, डोनाल्ड ट्रिपेनो है और टेंडई चतारा है, काल मुंबा है। दोस्तों पॉसिबल चेंजेस की बात कर लूँ तो एल्टन की खेलने के भी चांस है, और दो प्लेयर ऑलरेडी इनके COVID-19 पॉजिटिव आ गए थे, इसीलिए उनको क्वारंटाइन किया हुआ है। अब देखते हैं उनका कमबैक होता है या फिर नहीं होता, या उनके बदले कोई और दो प्लेयर नए आते हैं, वो देखने वाली चीज़ होगी। की प्लेयर की इस टीम से मैं बात करूँ तो ब्रेंडन टेलर है, चलेंगे या तो नहीं चलेंगे 50-50 चांस है। सिन विलियमसन है बैटिंग बॉलिंग से पॉइंट देंगे, सिकंदर रजा है बैटिंग बॉलिंग से पॉइंट देना चाहिए, क्रेग एरविन है फिलहाल रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, वेजली इनका भी रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, ब्रेंड चारी का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, खेलेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। दोस्तों क्या रहेगी हमारी हेड टू हेड टीम, तो दो टीम यहाँ पर मैंने बनाई है, और आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर
आप पाकिस्तान को फेवरेट मान रहे हो तो आप यही सोच के चलना कि स्टार्टिंग के 4 बैट्समैन ले लेना और या तो 3 बैट्समैन ले लेना और 4 बॉलर पाकिस्तान के ले लेना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, उसके हिसाब से टीम में चले जाना। पहले बैटिंग आई है तो आप फ़खर जमान को कैप्टनसी दे सकते हो या बाबर आजम को कैप्टनसी दे सकते हो, वाइस कैप्टन किसी बॉलर में जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए मैंने हेड टू हेड टीम के, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो या तो इसमें कुछ चेंजेस करके अपने खुद की टीम भी बना सकते हो। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग टीम की। ग्रैंड लीग टीम के अंदर ये कुछ ऑप्शन मैंने निकाले हुए हैं जो आपको पॉइंट्स दे सकते हैं दोस्तों, और ये प्लेयर ऐसे हैं अगर आपकी टीम में है और सीवीसी आपने बनाया हुआ है तो आपको ग्रैंड लीग जीतने में ये सबसे अलग रखेंगे, यानी कि आपके ग्रैंड लीग के जीतने के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर ये प्लेयरों को आप सीवीसी बनाते हैं तो। दोस्तों ग्रैंड लीग होते हैं जो एक आधा दो प्लेयर ही होते हैं जिसकी वजह से ग्रैंड लीग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, तो आपको वो बात का ध्यान रखना है। चाहिए तो ये प्लेयर को नोट डाउन कर लीजिएगा। और जाते जाते बस इतना कहूँगा, अपने सारे भाइयों को थैंक्स कहूँगा अगेन जो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और बहुत जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा। इस वीडियो में बस इतना ही।